अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब इज़ दोस्त नेवरी के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई है पंजाब के लिए। इसमें आप लोग पूरे पंजाब से मेज़ और फीमेज अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को और से देखना है, इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। डायरेक्टली चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर सर्च करना है जॉब बाजार। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पर जहाँ पर जॉब बाजार डॉट इन्फो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि महकमा आबपाशी पंजाब की जॉब्स हैं। तो इसमें और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते चलें कि आपने ये जो लिंक है ना चेक मोर जॉब्स इन पीपीएससी, इसको लाजमी विज़िट करना है। आपके काम की इसमें जॉब्स हैं और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये आपने लिंक लाजमी विज़िट करना है, इसमें आपको काफ़ी सारी जॉब्स और भी मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 12 की जॉब है, ठीक है, ग्रेड 12 की। तो इसमें ऑल ओवर पंजाब यहाँ पे इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटेरिएट है लाहौर में, इसमें 5 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और ये पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसके आगे जोन्स हैं, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जोन्स हैं। सबसे पहला जोन जो है ये लाहौर का है, इसकी 44 वैकेंसीज हैं लाहौर जोन में। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा और कसूर के लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जोन में अप्लाई करना है। उसके बाद फैसलाबाद जोन है, इसकी 44 वैकेंसीज हैं। इसमें गुजरांवाला और शेखुपुरा, फैसलाबाद, जहंग, अफसाबाद, टोबाटैक सिंह, चिन्योट, गुजरात और ननकाना साहिब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सरगोधा जोन है, इसकी 72 वैकेंसीज़ हैं। इसमें सरगोधा, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, मियाँवाली, खुशाब, लिया, भक्कर, जंग, चिनियोट, मियाँवाली के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मुल्तान जोन है, इसकी 35 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, जंग, खानीवाल और बहावलपुर के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहावलपुर जोन है, इसमें यहाँ पे बहावलपुर, रेमिया खान, बहावल नगर, विहाड़ी और राजनपुर के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी 74 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद डीजी खान की 45 हैं। डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लहिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साहिवाल जोन है, इसकी 49 वैकेंसीज़ हैं। खानीवाल, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, विहाड़ी, पाकपतन और ननकाना साहिब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो है वो थल कैनाल है, इसका ग्रेटर थल कैनाल, इसमें खानीवाल और मुल्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जोनल वाइज कोटा है। तो अब इसमें यहाँ पे एज की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए, मेल्स के लिए जो इसमें एज है वो कम से कम 18 और रिलैक्सेशन के साथ 32 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल्स के लिए यहाँ पे 18 से लेकर 35 साल तक आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक इसकी मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास इंटर होना चाहिए कंप्यूटर के साथ, ठीक है, मतलब आईसीएस या फिर आपके पास एफएआईटी है, मतलब आपने इंटर में कंप्यूटर पढ़ा हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 3 माह का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए एमएस ऑफिस का और टाइपिंग स्पीड भी आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो, ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया, मतलब आईसीएस या एफएआईटी, मतलब इंटर आपको कंप्यूटर साइंस के साथ हो और एमएस ऑफिस कोर्स हो और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो, ठीक है, ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज की, जो इस साइड में और भी कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे जूनियर रिसर्च ऑफिसर की जॉब्स हैं जिसमें आप बीएससी मास्टर आपका सिविल इंजीनियरिंग में हो। माइंस डिपार्टमेंट है, इसमें असिस्टेंट माइंस वेलफेयर कमिश्नर है, इसमें मास्टर या बीएस डिग्री हो आपकी। इसमें इकोनॉमिक, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पोलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ वैकेंसीज हैं वो भी आपसे शेयर करते चलें, तो इसमें 40 वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो बीएससी आपकी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर एग्रोनॉमी में या फिर प्लांट ब्रीडिंग में या फिर जेनेटिक्स में या फिर पैथोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में। उसके बाद एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, सोशल सॉयल साइंसिस में, हॉर्टिकल्चर में और फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या फिर फॉरेस्ट्री में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर सीड साइंसिस या फिर इसमें मार्केटिंग में या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में या फिर फार्म मैनेजमेंट में या फिर प्लांट प्रोटेक्शन में आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। उसके बाद यहाँ
पे नेक्स्ट वीकेंसी से जूनियर रिसर्च ऑफिसर माइंस, इसमें आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री हो माइन इंजीनियरिंग में। तो यहाँ तक की वैकेंसीज हैं, इसकी 16 जनवरी लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपली यहाँ पे फॉर अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। अगर इस साइड में आपके काम की जॉब्स नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पे चेक मोर जॉब्स इन PPSC यहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आपको आपके काम की जॉब्स नहीं मिलती हैं तो यहाँ पे आप मेन वेबसाइट पे आएँ, यहाँ पे अस्करी बैंक की जॉब्स हैं, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, और यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और मिनिस्टर ऑफ फूड्स और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स ओपन हैं। ये सारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ओल्डर पोस्ट पे क्लिक करें तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे भी आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं तो आपके काम्स के यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, फॉर अप्लाई क्लिक करके बटन पर तो आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।